हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करते हैं 6B, प्लेइंग विद नंबर 6B। तो आज 6B में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बताएंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटीज क्या होती हैं, ऑर्डर इवन क्या होता है, कैसे बिना डिवाइड किए हम नंबर्स को पहचान लेते हैं कि वो किस गिनती से कटेगा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, ट्विन प्राइम क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और को प्राइम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे और उसके बाद हम कोई सॉल्यूशन करेंगे। तो पहली चीज़ आती है हमारी फैक्टर। पहला क्या है हमारा? फैक्टर, FACTORS, फैक्टर्स। क्या मतलब हुआ इसका? फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी डिजिट पार्टिकुलर दी है वो किस किस टेबल में आती है, किस किस टेबल से वो पूरी डिवाइड होती है। छोटा सा एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि 6 ले लिया, तो 6 किस किस टेबल से आता है? देखिए, एक पहली चीज़ तो ये होती है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको सबका फैक्टर है। किसका है? सबका फैक्टर, यानी कि पहली चीज़ तो वो आ गई 1 के टेबल में। कोई ऐसी डिजिट नहीं है यूनिवर्स की जो 1 के टेबल में ना आती हो। तो 1 पहला फैक्टर हो गया। उसके बाद 6, 2 आता है, 2 3 6, देन 3 2 6, और लास्टली वही नंबर, क्योंकि 1 6 6 और 6 1 6, लास्ट में क्या आ गया? वही नंबर आ जाता है जो उसका फैक्टर हमें फाइंड करना होता है। जब लास्टली में वो नंबर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि आपने उसके फैक्टर्स को कंप्लीट कर लिया। एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 8। छोटी डिजिट्स को एग्जाम्पल लेके समझाना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए छोटा एग्जाम्पल। 8 1 2 4 8, 3 के 12 में नहीं आता, 4 2 8, और देन 8 1 8, ये हो गया। अब और छोटी सी बात करें अगर हम 5 की, तो 5 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, किसके टेबल में आता है? 1 में और खुद में। तो ये हमारे हुए फैक्टर्स। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, एक 10 ले लेते हैं, अगर हम 2 डिजिट पहुंचे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और लास्टली 10 हो गया। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर्स जो हमें इजीली किसी भी चीज़ को बताते हैं कि वो पूरा पूरा उससे कट रहा है कि नहीं, यानी पूरा पूरा डिविजिबल है कि नहीं। तो दैट इज नोन एज फैक्टर। फैक्टर के बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है मल्टीपल। क्या चीज़ आती है? मल्टीपल। मल्टीपल जस्ट अपोजिट होता है। फैक्टर मीन्स उस टेबल से पूरा डिविजिबल होता है, मल्टीपल मीन्स उस वो जो भी गिनती दी हो उसके टेबल, मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल होता है। मल्टीपल्स ले लीजिए आप। अब मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल टेबल, सपोज 2 के 5 मल्टीपल्स बताइए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताइए या 5 मल्टीपल्स बताइए, तो क्या हो गया? 2 4 6 8 एंड 10, 5 मल्टीपल्स हो गए। तो किसी भी डिजिट्स के 5 मल्टीपल, 10 मल्टीपल, जो भी निकालना हो, 5 के फर्स्ट 2 मल्टीपल्स बताइए, 5 और 10 हो गया। अब कभी कभी इस 5 को इंक्लूड करते हैं, कभी कभी नहीं इंक्लूड करते हैं। अगर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो 15 हो जाएगा, और अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो 5 रहेगा। तो मोस्टली होता है क्या कि जो डिजिट होती है उसको इंक्लूड ना करके ही चलते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी डिजिट हो 10 के 5 मल्टीपल्स बता दिए, तो 10 20 30 40 50, ये 5 मल्टीपल्स हो गए। तो ये सिंपल हो गया हमारा तरीका मल्टीपल्स का। तो आपको मैंने पहला बताया फैक्टर, दूसरा मल्टीपल। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या चीज आती है? ऑड और इवन। क्या चीज आती है? ऑड और इवन, दोनों को चीजें एक साथ लिखते हैं और दोनों को एक साथ समझाते हैं और आप समझते भी चलेंगे साथ साथ। ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि 2 से नहीं कटते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ऐसे समझ लीजिए 1 3 5 7 9, जिस भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे हो, वंस प्लेस पे हो, वो सारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। और जिस टेबल के जो भी डिजिट्स के नंबर में 0 2 4 6 और 8 होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि सिंपल पहचान बताइए आपको मैंने, कि अगर ऑड होगा तो उसके डिजिट के लास्ट में, यानी कि जैसे 49 दिया है, लास्ट में क्या है? 9 है, तो ये कैसा हो गया? ऑड नंबर हो गया। 48 होगा तो कैसा हो गया? इवन नंबर हो गया। अगर लास्ट में इन डिजिट्स में से कुछ है तो वो ऑड, और इनमें से कुछ है तो उसको इवन नंबर कहते हैं। दूसरी भाषा में जिस तरह के हमने सीखा अब तक या सिखाया, वो ये है कि जो गिनतियाँ 2 से डिविजिबल होती हैं, किससे 2 से डिविजिबल होती हैं, वो
इवन नंबर्स कहलाती हैं, और जो टू से डिविजिबल नहीं होती हैं वो सारी गिनतियाँ ऑड नंबर्स कहलाती हैं। तो ये ऑड इवन का डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने टेस्ट डिविजिबिलिटी की तरफ। किसकी तरफ? टेस्ट डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट डिविजिबिलिटी का मतलब हम किसी भी गिनती को देखकर पहचान लें कि वो किस गिनती से कटेगा। सपोज टू, सबसे पहला गिनती आती है टू, तो अब कैसे पता करें कि ये गिनती टू से, कोई भी डिजिट दी है वो टू से कटेगी नहीं कटेगी? तो अभी मैंने आपको इससे पहले क्या बताया, इवन नंबर्स यानी कि जो गिनतियाँ टू के डिविजिबल में होती हैं वो क्या होती हैं, इवन नंबर्स होती हैं, वो टू का डिविजिबल होगा। सपोज 24 दिया है, लास्ट में क्या है 4, तो टू का डिविजिबल है। 21 दिया है, लास्ट में क्या है 1, वो नॉट डिविजिबल है, तो ये टू की डिविजिबिलिटी हो गई। नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाई टू दैट आर नोन एज इवन नंबर एंड दे आर डिविजिबल बाई टू आफ्टर देन 3। अगर हम 3 की बात करें तो 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। कोई गिनती ले लीजिए आप, किसी भी डिजिट्स को अगर आप ले लीजिए, सपोज आप एक 3 डिजिट दी हुई है, हम छोटी डिजिट लेके चलते हैं 825, चेक करना है कि 3 का डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करिए, इन सारी गिनतियों का सम ले लीजिए, 8 प्लस 2 प्लस 5, अब इनको ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, इनका सम जो आया यानी कि इन गिनतियों को हमने लिखा, उनको जोड़ा, और जोड़ने के बाद उनका जो सम आया उसको हमने किससे, 3 से डिवाइड दिया। 3 5 से 15 क्या हो गया, 5। अगर पूरा डिविजिबल होता है, अगर पूरा डिवाइड होगा तो वो डिविजिबल होगा 3 का, और अगर नहीं होता है, सपोज 2 की जगह पर यहाँ पर 3 होता तो ये कितना होता, 16 हो जाता, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए क्या, यहाँ पर अगर 2 था तो ये डिविजिबल है, और अगर कुछ और डिजिट है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। सपोज कुल मिलाकर क्या कहना होता है कि जो इन सब का एडिशन है, अगर वो पूरा 3 से डिवाइड होता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, तो वो 3 का डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब हम बढ़ते हैं 4 की तरफ। 203 आई होप समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, हमें आगे तक बहुत काम आती है, यानी कि 6 ऑनवर्ड्स हमें ये जो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी है ये बहुत कारगर होता है, और बहुत अगर समझ लिया हमने तो आगे तक बहुत काम आता है, बहुत हमारे लिए काम की चीज़ होती है। अब हम आते हैं 4 की तरफ। कौन से डिजिट की तरफ? 4 की तरफ। तो ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, सपोज मान लीजिए आपको कोई बड़ी सी डिजिट दी है 6 7 5 2 0, अगर दिया हुआ है लास्ट 2 डिजिट्स से ली, कौन से डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है हमारे पास, 2 और 0, लास्ट 2 डिजिट्स ले लीजिए और उसको क्या करिए, 4 से डिवाइड दे दीजिए, और अगर वो पूरा डिविजिबल है तो वो 4 का डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो वो 4 का डिविजिबल नहीं है। अगर कोई भी रिमाइंडर बच रहा है तो वो 4 का डिविजिबल नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 हमारा सबसे अच्छा नंबर है, क्योंकि 5 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 और 5। तो वो खुद कहता है कि अगर जिस टेबल के लास्ट में, जिस गिनती के लास्ट में, टेबल नहीं, जिस गिनती के लास्ट में 5 आएगा वो मेरा डिविजिबल होगा। कौन कौन सा, 0 या 5 आएगा, कौन कौन सा आएगा, 0 या 5 आएगा, वो 5 का डिविजिबल होगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जिस गिनती के लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 का डिविजिबल होगा। जैसे 55 है, डिविजिबल है, 50 है, डिविजिबल है, 51 नॉट डिविजिबल, 93 नॉट डिविजिबल, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी हो गई हमारी। उसके बाद हमारा आता है 6। 6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 के लिए भी वही फॉर्मेशन लेंगे। 6 क्या कहता है हमारा कि 6 के कितने फैक्टर्स है, 2 और 3, क्या 2 और 3, यानी कि जो गिनती 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे क्या होगा, कोई ऐसे डिजिट जो 2 से डिविजिबल होगी तो वो 2 का डिविजिबल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि उस गिनती को पूरा हम जोड़ेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड देंगे, अगर वो पूरा कटता है तो वो 3 का डिविजिबल होगा। सपोज मान लीजिए हमारे पास है 7 8 1 6 2, एक डिजिट दी हुई है, तो लास्ट में क्या है 2, तो ये 2 का डिविजिबल है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 7 + 8 + 1 + 6 + 2, सबको जोड़ते हैं, 15 16 17 18 20 24 24 को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड देते हैं, 3 6 3 8 24 डिविजिबल है।
यानी कि जो 2 से और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा, अगर दोनों में एक गिनती से डिविजिबल नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम 7 की तरफ। 7 हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कहलाता है 7? 7 कहता है कि कोई भी डिजिट ले लीजिए, पहले तो जो आपके एग्जाम्पल मिली है उसी को ले लेते हैं। 6, 8, 9, 5 है, तो लास्ट में क्या है, 5 है। 5 को क्या करें हम, डबल कर लें, लास्ट में क्या है हमारा 5। आप लिखिए 6, 8, 9 और जो लास्ट डिजिट दी उसको डबल कर लीजिए। 6, 8, 9 - 10 कितना बचा, 679 आया। 679 जो आया इसको क्या करेंगे अब हम 7 से डिवाइड दे लें, क्या करें 7 से डिवाइड दे लें। 7, 9 = 63 कितना बचा, 4 बचा, 49। 7, 7 = 49 97 आ गया। तो अगर डबल करके माइनस करने के बाद जो डिजिट आती है उसको 7 से डिवाइड देते हैं और अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो 7 का डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कोई भी डिजिट दी हो जो लास्ट प्लेस होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं और वो पूरा डिविजिबल होता है तो वो 7 का डिविजिबल है, अदरवाइज 7 का डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट डिजिट आती है हमारी 8। कौन सी डिजिट आती है, 8 के लिए प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कि हमने 4 में बताया था आपको कि लास्ट की 2 डिजिट्स लेते हैं, 8 में एक डिजिट और एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है 6, 7, 5, 4, 1, 1, 2 लास्ट की 3 डिजिट्स ले ली, 1, 1, 2 ले लिया, उसको 8 से डिवाइड दिया। किससे डिवाइड देंगे, 8 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं हम 8 का। 8 से डिवाइड दिया तो 8, 1 = 8 3 बचा 32, 8, 4 = 32 यानी कि अगर पूरा पूरा कटता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर तो वो 8 का डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 9। 9 आता है, 9 के लिए क्या है, 9 के फैक्टर 3 × 3 तो बस सेम प्रोसेस जिस तरह 3 पे किया था उसी तरह 9 पे भी करिए। सपोज हमें डिजिट दी हुई है आपकी 87102, सबको ऐड कर लीजिए, 8 + 7 + 1 + 0 + 2 तो 8, 7, 15, 16, 17, 18 और वहाँ पर 3 से था, यहाँ पर 9 से, 9, 2 = 18 क्या आया, 2। सो सिंपल इसीलिए मैंने 3 लिखा है यहाँ पर कि जिस तरह हम 3 को फॉलो करते हैं, सबको ऐड कर लिया फिर 3 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी 9 की है तो हम 9 से डिवाइड देंगे और अगर डिविजिबल है तो 9 का डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं डिविजिबल है। नेक्स्ट डिजिट आती है हमारी 10। 10 बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा, जो खुद हमको हिंट करता है कि अगर जिस डिजिट के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 0 हो, वो मेरा डिविजिबल है। क्या है, लास्ट में क्या हो, 0 हो, यानी कि यहाँ पर किसी भी डिजिट के लास्ट में 100 है 10 का डिविजिबल है, 101 है नॉट डिविजिबल, तो यानी कि जिस डिजिट के भी लास्ट में 0 होगा वो 10 का डिविजिबल, अदरवाइज सॉरी आई एम नॉट डिविजिबल बाय यू। ये हमारा 10 का आता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट 11। कौन सा 11, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा घुमाता है, घुमाने का सेंस ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है अपने आप को। कहता है कि मेरे जो ऑड प्लेसेस हैं, अब तक हमने ऑड नंबर और इवन नंबर पढ़ा, लेकिन ये कहता है ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस। एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, जैसे कि हमारा डिजिट दी हुई है इन्होंने एक 754, 75438 तो जब कभी हम बच्चों को बिठाते हैं तो ऑड नंबर इवन नंबर होते हैं उनको सिटिंग के हिसाब से हम कर लेते हैं, या फिर लाइन में खड़ा किया तो कुछ बच्चे ऑड नंबर्स पे खड़े होते हैं, ऑड प्लेसेस पे खड़े होते हैं, कुछ बच्चे इवन प्लेसेस पे खड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, ऑड प्लेसेस पर है, ऑड नंबर नहीं है, ऑड प्लेसेस पर है। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब हम डिजिट्स लिखते हैं जिनके नीचे लिए मैंने अंडरलाइन की है वो ऑड प्लेसेस पे हैं, 7 + 4 + 8 8, 4, 12, 12 + 7 = 19 आपका हो गया, और यहाँ पर बचा हमारे पास 5 + 3 = 8 फिर क्या करते हैं हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं, बड़ी गिनती से छोटी गिनती को माइनस करते हैं, 19
माइनस एट दैट वी गॉट 11. माइनस करने के बाद अगर ऐसी कोई डिजिट आए, या तो जीरो आए या फिर ऐसी कोई डिजिट आए जो 11 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए, तो वो 11 का डिविजिबल है. ये हमारा 11 कहता है. क्या कहता है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है? 7 है, 4 है, 8 है. ऑड नंबर नहीं कह रहा है, ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस ले लिया, फिर सम ऑफ इवन प्लेसेस ले लिया, दोनों को जोड़ा. जोड़ने के बाद दोनों का डिफरेंस निकाला. डिफरेंस निकालने के बाद या तो जीरो आए या फिर ऐसा कुछ आए जो 11 से डिविजिबल हो जाए, उसको हम कहते हैं डिविजिबल बाय 11. तो आई होप ये 2 से 11 तक की डिविजिबिलिटी आपको समझ आई होगी. हम आगे बढ़ते हैं. हम कुछ चीज़ें बची हैं जैसे कि प्राइम नंबर. जल्दी से रिकैप में छोटी छोटी चीज़ें. और प्राइम नंबर हमारा जो है वो ऐसा है कि हमेशा याद रखना चाहिए. कभी भी आप बड़े भी हो जाएंगे, अगर किसी को भी पढ़ा रहे हैं या किसी को भी देख रहे हैं तो उसे बताना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है. पहले तो ये होना चाहिए. तो प्राइम नंबर होता क्या है? सबसे पहले प्राइम नंबर ऐसे वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों. कितने फैक्टर्स हों? दो फैक्टर्स हों, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? प्राइम नंबर. जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. ऐसे ढेरों फैक्टर नंबर्स हैं 1 से 100 तक के बीच जिनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. जो जिनके कितने फैक्टर्स हो? ओनली टू फैक्टर्स FACTORS यानी कि नंबर एंड वन. वन इन इटसेल्फ इसीलिए कहा जाता है. तो वो कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स. इसमें भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइम नंबर्स में टू क्या कर रहा है. तो अ सिंगल इवन नंबर, सिंगल इवन नंबर अगर पूछा जाए कि इवन नंबर बताइए प्राइम नंबर्स में, तो टू इज अ सिंगल इवन नंबर, दैट इज प्राइम नंबर. कभी कभी वन को कंसीडर नहीं करते हैं, कुछ जगह मिलेगा आपको. वन को कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये यूनिट नंबर पे आ जाता है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं. तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं. आपका लेवल जो है उस लेवल समझिए. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, वो और वो खुद. वन और वो खुद. सपोज एक एग्जांपल में आ जाएगा 5. कितने फैक्टर्स होंगे? 1 और 5. ये हो गया प्राइम नंबर. उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर के बाद सेकेंड पार्ट आता है इसी का, प्राइम नंबर कंपोजिटिव नंबर. तो कंपोजिटिव नंबर का नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स. ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिटिव नंबर कहते हैं. कितने फैक्टर्स हों? दो से ज़्यादा. सपोज क्या था? कंपोसाइट है. SITE नंबर. कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों. सपोज मान ली 4. 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया. 8 ले लेते हैं. तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया. दो से ज़्यादा फैक्टर जिनके होंगे उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिटिव नंबर कहते हैं. उसके बाद आता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर मीन्स कौन सा नंबर? ट्विन प्राइम. ट्विन का मतलब क्या हुआ? दो. ट्विन का मतलब ऑलरेडी दो कह रहा है. ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस दो का हो. जैसे ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस दो का हो. जैसे कि हम 3 और 5 की बात करें, तो 5 में से अगर हम 3 माइनस करते तो क्या आता है? 2 आता है. 5 और 7 हो गया, 7 से 5 माइनस करते हैं क्या आता है? 2 हो गया. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं. फिर आता है प्राइम फैक्टर्स. तो जो फैक्टर अभी आपको बताया मैंने, कोई भी गिनती ले लो जिसको हम डिवाइड देने, जैसे सपोज 6 था, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे उसके? 1, 2, 3. 6 को नहीं लेंगे. प्राइम फैक्टर्स की बात आएगी तो 1, 2, 3 होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा उसमें. ओके, अगर यहाँ पर आ गया सपोज मान लीजिए 8, तो 1, 2 होगा खाली बस, क्योंकि 4 और 8 दोनों कैसे हैं? ये प्राइम फैक्टर्स हैं. कैसे फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे. फिर आता है को प्राइम. हमारा एक लास्ट है आज के लिए, को प्राइम. कौन सा प्राइम? को प्राइम. लास्ट CO और प्राइम. को प्राइम. को प्राइम मतलब टू नेचुरल नंबर विच डू नॉट हैव अ कॉमन प्राइम फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम. यानी ऐसे कॉमन नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर जिनका कुछ भी आपस में क्या हो, कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम, कॉमन फैक्टर ना हो.
टू नेचुरल नंबर्स, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका आपस में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। जैसे टू और थ्री, टू और थ्री भैया, तो इसमें कुछ भी मैच नहीं करता है तो ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। आपका थ्री फोर ले लीजिए, ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर तो मीन्स नेचुरल नंबर क्या होता है ये भी जानना चाहिए। नेचुरल नंबर मीन्स जो वन से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट होकर आगे तक चलें वो सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स मीन जो जीरो से स्टार्ट हो और आगे चलें वो होल नंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स आपस में कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन, उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आई होप जो कुछ आज समझाया, डिविजिबिलिटी टेस्ट, इवन ऑड, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फैक्टर मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, आपको समझ आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कहीं कुछ समझ में ना आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।